इंडिया में जब अपनी कार को लेकर आप सड़क पर निकलते हो तो सड़क पर आपको गड्ढा ना मिले तो आपको गाड़ी चलाने में फिर मजा नहीं आएगा। तो इन्हीं गड्ढों में गाड़ी चलाने पर आपको झटका ना लगे, इसके लिए कंपनियां देती है सस्पेंशन जो कि शॉक अब्सॉर्ब का काम करती है। लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा है कि कार कंपनियां जो है वो गाड़ियों में नॉर्मल सस्पेंशन की जगह एयर सस्पेंशन देना चालू कर दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि गैस सस्पेंशन ज्यादा अच्छा होता है या फिर एयर सस्पेंशन, तो चलिए जानते हैं। जो नॉर्मल सस्पेंशन होते हैं उसमें झटके को ऑब्जर्व करने के लिए स्प्रिंग टेम्पर दिए जाते हैं, लेकिन एयर सस्पेंशन में एयर को प्रेशराइज स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और झटके से बचने के लिए उसमें टेम्पर का इस्तेमाल किया जाता है। एयर सस्पेंशन का फायदा यह होता है कि अगर गाड़ी में लोड ज्यादा है तो वो गाड़ी को नीचे बैठने नहीं देता, लेकिन नॉर्मल सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर गाड़ी में लोड ज्यादा है तो गाड़ी नीचे बैठने लगती है। एयर सस्पेंशन के चलते हैंडलिंग और राइड क्वालिटी दोनों ही बेहतर लगती है। वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब।